नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। यदि आप एक इन्वर्टर यूजर हैं तो आप इन्वर्टर के एनर्जी लॉस से जरूर परेशान होंगे, क्योंकि हमारे बिजली के बिल को इन्वर्टर अक्सर बढ़ा देता है और हमारा बिजली का बिल इन्वर्टर के कारण अधिक आने लगता है। एक लेड एसिड बैटरी, ट्यूबलर बैटरी और एक ऑर्डिनरी इन्वर्टर के साथ हमारी एनर्जी का 50 से 60% लॉस हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या इसका उपाय है जिससे एनर्जी का लॉस न हो, तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वर्टर होते हैं, जो इस समय इंडिया में बहुत आयत में मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं, यह एनर्जी का लॉस करते क्यों हैं? एक इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है और एक इस प्रकार का सर्किट होता है। इस सर्किट को बैटरी से 12 वोल्ट डीसी हम देते हैं और यह सर्किट 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, और वह 12 वोल्ट एसी इस ट्रांसफार्मर को हम देते हैं इस साइड में, और इसकी दूसरी साइड से यानी दूसरी क्वाइल से 220 वोल्ट एसी सप्लाई हम लेते हैं और उसको घर में यूज कर लेते हैं। यह सिंपल सा कार्य होता है एक इन्वर्टर का। और हमारी एनर्जी का लॉस भी दो तरीके से होता है, कुछ एनर्जी का लॉस इन्वर्टर करता है और कुछ एनर्जी का लॉस बैटरी करती है। एक बैटरी को चार्ज करने में हम जितनी एनर्जी उसको देते हैं, वह बैटरी वापस हमें उतनी एनर्जी नहीं दे पाती। इन्वर्टर से एनर्जी का लॉस दो बार होता है, एक बार तो जब यह इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है तब एनर्जी का लॉस करता है, और फिर यही इन्वर्टर जब बैटरी से एनर्जी लेगा और हमें घर में वापस देगा, कुछ एनर्जी का लॉस तब करता है। और यह टोटल लॉस यानी बैटरी के द्वारा किया गया लॉस, चार्जिंग के समय किया गया लॉस, और फिर बैटरी से एनर्जी लेते समय जब इन्वर्टर वर्क करता है तब एनर्जी का लॉस, यह कुल मिलाकर लॉस 50% तक हो जाता है। और पहले के मुकाबले में अब तक यह एनर्जी लॉस बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कंपनियां क्वालिटी मेंटेन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि क्वालिटी को घटा रही हैं, इसलिए एनर्जी लॉस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप कहेंगे कि क्वालिटी कैसे घट रही है, जैसे कि आज मैं केवल इन्वर्टर की बात कर रहा हूं, बैटरी की बात कभी किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। इन्वर्टर आपने देखे होंगे कि पहले कॉपर वाइंडिंग में आते थे, और अब किसी भी कंपनी का आप इन्वर्टर उठाकर देखेंगे तो आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग में मिलेगा। अब हम लोग केवल कॉपर और एल्यूमिनियम को तो जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कोर कैसी लगी है इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो इन्वर्टर बनाती हैं और उनमें जो कोरे यूज करती हैं, वह C6 क्वालिटी की कोरे यूज होती हैं। जैसे मेरे पास कुछ कोरे यहां पर आप देख रहे हैं, यह जो कोर आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी C6 है, इसकी क्वालिटी भी C6 है, और यह कोरे कई क्वालिटी में आती हैं। C3 क्वालिटी में आती हैं, जो कि बहुत घटिया क्वालिटी मानी जाती है। उसके ऊपर C6 क्वालिटी आती है जिसमें हमारे इन्वर्टर बने हैं, यह कोर भी हैं, यह C3 से कुछ अच्छी होती हैं। इसके बाद क्वालिटी आती है यूक्रेन कोर की, जो कि कंपनियां यूज नहीं करती हैं, थोड़ी महंगी पड़ेगी। जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी तो कोरें महंगी होती जाएगी। और यूक्रेन के बाद जो सबसे अच्छी आयरन कोर में क्वालिटी होती है वह CRGO कोर होती है। साइज और डिजाइन यही रहता है, केवल इनके अंदर जो मटेरियल लगा है, आयरन लगा है, उसकी क्वालिटी का इफेक्ट होता है। अब कंपनियां कॉस्ट कटिंग के चक्कर में C6 क्वालिटी यूज करती हैं, क्योंकि थोड़ी सस्ती पड़ती है, इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी भी घट जाती है और एनर्जी का लॉस बढ़ जाता है। जबकि देखने में यह C6 क्वालिटी की कोरें बहुत सुंदर होती हैं, यह तो पुरानी कोरें हैं, जब नई कोर देखेंगे तो बहुत ही साफ सुथरी, बहुत अच्छी कोर देखने में यह लगती हैं। और इनका जो ट्रांसफार्मर बनकर जब तैयार होता है तो ट्रांसफार्मर भी बहुत साफ सुथरा क्वालिटी में देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह कोरें हार्ड आयरन की, हार्ड मटेरियल की बनी होती। यहां पर आप देख रहे हैं कि मुश्किल से मैं इसको मोड़ पाऊंगा, जबकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोरे यूज होती हैं वह थिकनेस में कम होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मोटाई कम होनी चाहिए कोर, और कोर का मटेरियल
लोहा जितना मुलायम होगा उतनी ही कोर की क्वालिटी अच्छी रहती है, क्योंकि जिस समय क्वाइल के अंदर धारा प्रवाह होता है, करंट का फ्लो होता है, तो इन कोरों में मैग्नेट बनता है और जो मुलायम लोहा होता है, मुलायम सॉफ्ट आयरन होता है, उसके अंदर मैग्नेट जल्दी बनती है, अधिक बनती है, यानी कम करंट के फ्लो से भी मैग्नेटिक पावर अधिक हो जाती है। और यदि कोर की क्वालिटी हल्की होगी, घटिया होगी, तो अधिक करंट फ्लो से मैग्नेटिक पावर कम रहेगी, क्योंकि जैसा कि इस ट्रांसफार्मर में हम देख रहे हैं कि यह क्वाइल अलग है और यह पतले वायर की क्वाइल अलग है। दोनों क्वाइल बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से इनका संपर्क नहीं होता है। तो इस क्वाइल में हम धारा का प्रवाह करते हैं, कोर में मैग्नेट बनती है और वह मैग्नेट दूसरी क्वाइल में करंट बनाती है। तो यदि मैग्नेट ही कम बनेगी तो दूसरी क्वाइल में करंट भी कम बनेगा। तो इन्वर्टर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर इस कोर का बहुत महत्व है और यही एनर्जी लॉस का मुख्य कारण बनती है। इन्वर्टर का एनर्जी लॉस हम कम कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की क्वालिटी को बेहतर करके, और ट्रांसफार्मर की क्वालिटी में यदि हम अच्छे कॉपर का यूज करें और अच्छी कोर का यूज करें, बेहतर तो यह है कि इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर के अंदर CRGO कोर का यूज करना चाहिए। और यदि CRGO कोर का यूज भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम यूक्रेन कोर का यूज करना चाहिए। इस समय मेरे पास CRGO और यूक्रेन कोर नहीं है, किसी वीडियो में वह दोनों कोर भी मैं आपको दिखाऊंगा। CRGO कोर इतनी मुलायम और इतनी पतली होती है कि उसके ट्रांसफार्मर को तैयार करना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। यदि एक ट्रांसफार्मर की क्वाइल में C6 से हम 4 ट्रांसफार्मर तैयार करते हैं, उतने समय में CRGO कोर में एक ट्रांसफार्मर तैयार होगा और इतनी सफाई नहीं आएगी, क्योंकि वह कोरें बहुत पतली और मुलायम होती हैं। प्रेशर से या हथौड़े की चोट से जब हम उनको टाइट करने की कोशिश करेंगे, स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ कोरें मुड़ जाती। तो दोस्तों, एक इन्वर्टर की इफिशियंसी को 80% से ऊपर तक यदि ले जाना है तो हमें ट्रांसफार्मर की क्वालिटी को बेहतर करना होगा, कॉपर वायर लगाना होगा और ट्रांसफार्मर में यूक्रेन या CRGO कोर लगानी ही होगी। जबकि कंपनियां दिन प्रतिदिन ट्रांसफार्मर की क्वालिटी को घटाती जा रही हैं, यूक्रेन कोर से C6 कोर पर आ चुकी हैं और कुछ कंपनियां तो इस समय C3 कोर का यूज भी कर रही हैं और क्वाइल के नाम पर एल्युमिनियम चल ही रहा है, आप देखते ही हैं। तो कैसे इन्वर्टर के एनर्जी लॉस को हम कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि इफिशियंसी को 90% से ऊपर लेकर जाना है तब हमें आयरन कोर का नहीं, फेराइट कोर के ट्रांसफार्मर का यूज करना होता है, जो कि इस समय इंडिया में नहीं किया जाता। यदि अदर कंट्री में आप जाएंगे तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज होता है। यह ट्रांसफार्मर फेराइट कोर में होते हैं, इनमें हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, यह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क नहीं करते हैं। और इन इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी भी अलग होती है। अदर कंट्री में यदि आप जाएंगे, अमेरिका, जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना, इन कंट्री को यदि आप देखेंगे तो इसी प्रकार के इन्वर्टर यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर 95% इफिशियंसी या मिनिमम से मिनिमम इफिशियंसी भी यदि रहेगी तो 90% से कम इफिशियंसी के उपकरणों को वो यूज नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारी डेवलप कंट्रियों में इस प्रकार के आयरन कोर से बने हुए इन्वर्टरों को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। और यदि कोई कंपनियां वहां पर आयरन कोर में इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करेगी और उसकी इफिशियंसी 50-60% रहेगी तो वहां की गवर्नमेंट इस प्रकार की कंपनियों पर जो पेनल्टी लगेगी वह तो लगेगी ही, मारेगी बहुत। वहां पर एनर्जी सेविंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम भी इस प्रकार के इन्वर्टर तैयार करने में लगे हुए हैं, सफलता मिल भी चुकी है, आयरन कोर वाले ट्रांसफार्मर भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉपर वायर के साथ, और आयरन कोर भी जो यूज करेंगे वह भी बहुत अच्छी क्वालिटी की कोर यूज करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि 80% तक इफिशियंसी हमारे इन्वर्टर की जानी चाहिए। यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप सोलर नो प्रोडक्ट का ही इन्वर्टर खरीदें, हम बहुत ज्यादा इन्वर्टर बना भी नहीं पाएंगे, हम सभी यूजर की पूर्ति कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग है तो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम कर नहीं सकते। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल यह है कि यदि आप इस समय कोई इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं,
तो इन्वर्टर ऐसा लें जिसकी इफिशियंसी अधिक से अधिक हो, कॉस्ट पर न जाएं, क्योंकि हमारा एक इन्वर्टर एक महीने में 400 से 500 रुपए की एनर्जी का लॉस कर देता है, और यदि साल में देखेंगे तो 5,000 से 6,000 रुपए की एनर्जी का लॉस एक इन्वर्टर कर देता है, और जबकि इन्वर्टर की वैल्यू 3,000 से 4,000 रुपए होती है। तो कॉस्ट पर न जाएं, बेशक आपको इन्वर्टर महंगा मिले, लेकिन सर्च करके ऐसा इन्वर्टर लें जिसकी इफिशियंसी 80% के आसपास होनी चाहिए। और यदि मार्केट में आप इस प्रकार के इन्वर्टर को सर्च करेंगे तो हो सकता है कि कंपनियों को भी मजबूर होना पड़े और वह अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और दोस्तों, इन्वर्टर के संबंध में यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है, तो कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।